by the power of Grayskull. पावर हम सबको चाहिए ज्यादा पावर और हमारे केस में वी वांट मोर ब्रेक हॉर्स पावर. बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फोर्स इंडक्शन लेट्स टॉक अबाउट हाउ नॉर्मली वी वुड गेट मोर ब्रेक हॉर्स पावर. फर्स्ट वे इज टू गेट अ बिगर इंजन. अगर इंजन बड़ा है तो ज्यादा पावर मिलेगी. स्मॉल इंजन लेस पावर. Big engine, big power. Bigger engines can breathe more air. More air means more oxygen. More oxygen means you can burn more fuel. And that's what gives you more power. Second way to produce more power is to increase the engine's VE. Abhi VE kya hai? VE ka matlab hai volumetric efficiency. आइए समझते हैं क्या होता है VE या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. नाउ फॉर एग्जांपल मानो कि ये है एक 500cc सिंगल सिलेंडर इंजन. अभी इसके इंटेक स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे जाएगा इट विल क्रिएट अ वैक्यूम और वैक्यूम की वजह से इट विल सक इन एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स थ्रू द इंटेक पोर्ट. तो टेक्निकली एट द एंड ऑफ द इंटेक स्ट्रोक इस सिलेंडर के अंदर 500cc ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स होना चाहिए मगर ऐसा होता नहीं है. बिकॉज ऑफ फ्लो रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर से सपोज ओनली 450cc ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स आता है. सो दिस टर्न्स आउट दैट द इंजन इज रनिंग एट ओनली 90% VE और 90% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्योंकि ये पूरा 500 यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. तो कैसे बढ़ाते हैं इंजन्स VE? हियर आर अ फ्यू वेज टू इंक्रीज इंजन्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स लाइक KNN, free flowing exhaust system, a well tuned and calculated intake runners and exhaust headers, well potted and polished heads, high lift cams. और manufacturers अपने engine की VE बढ़ाते हैं by increasing the numbers of valves per cylinder. 4 valves per cylinder काफी common है. There are engines with 5 valves per cylinder and even 6 valves per cylinder. तीसरा तरीका to increase the power is to rev your engine higher. By revving the engine higher, the engine just breathes faster. That means it's processing more air and fuel. More air and fuel means more power. और इसी वजह से छोटे बाइक और फॉर्मूला वन इंजन काफी सारा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं मगर प्लीज आपकी स्टॉक कार में ये ट्राई मत करना. दीज इंजन आर बिल्ड डिफरेंट. दे हैव अ वेरी शॉर्ट स्ट्रोक एंड दे हैव अ डिफरेंट कैम प्रोफाइल. इसके बारे में हम फ्यूचर एपिसोड में बात करेंगे. तक आप समझ गए होंगे. इन ऑर्डर टू मेक मोर पावर वी नीड टू बर्न मोर एयर एंड फ्यूल. अभी फ्यूल इज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि फ्यूल इज जस्ट 1/14 और 1/10 ऑफ द होल एयर फ्यूल मिक्सचर. जो पावर बनाने के लिए हम एयर और फ्यूल का यूज कर रहे हैं उसमें से फ्यूल एक काफी छोटी मात्रा में यूज होता है. मेन थिंग इज एयर और द ऑक्सीजन. Means the more air we can process, the more fuel we can burn, and that's how we can make more power. And that's where force induction comes in. Now there are 3 types of force induction. Pehla hai nitrous. Jaise humne hamare nitrous video mein dekha tha, we injected our engine with nitrous along with some fuel. Now let's talk about nitrous first. Nitrous hai kya? Nitrous is N2O. There are 2 molecules of nitrogen and 1 molecule of oxygen. Nitrous oxide has 50% more oxygen than what you get from air. Matlab hamare hawa mein jitna oxygen hai usse 50% zyada oxygen nitrous oxide mein hai. And that's how it helps you to burn more fuel and to make more power. दूसरी चीज नाइट्रस ये करता है कि वो जो
चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ाता है. अ कोल्डर एयर विल ऑलवेज हैव मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देन अ हॉटर एयर. अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोई भी गैस जब एक्सपांड होती है तब वो काफ़ी टेम्परेचर ड्रॉप करती है, मीन्स वो काफ़ी ठंडी होती है. और नाइट्रस ऑक्साइड में यही फंडा है, जब नाइट्रस ऑक्साइड नोजल में से एग्जिट करता है वो काफ़ी ठंडा होता है, वो इनलेट टेम्परेचर कम करता है और चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है. अभी नाइट्रस सिस्टम भी दो टाइप की होती है, वन इज वेट एंड वन इज ड्राई. हमारा जो सिस्टम है वो है वेट नाइट्रस सिस्टम. इसे वेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो इंजेक्टिंग फ्यूल अलॉन्ग विद नाइट्रस इन दिस. ड्राई नाइट्रस सिस्टम में सिर्फ नाइट्रस की नोजल होती है एंड द फ्यूल दैट वी नीड, द एक्स्ट्रा फ्यूल दैट वी नीड इज बीन डिलीवर्ड बाय द इंजेक्टर्स. नाइट्रस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है इट्स ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब आपको इंजन में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही ईसीओ में कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्पार्क टाइमिंग. नाइट्रस सिस्टम में पावर कंट्रोल किया जाता है जेट की मदद से, ये है जेट्स. अगर आपको 30 बीएचपी चाहिए तो आप 30 बीएचपी का जेट डालिए, अगर आपको 50 बीएचपी चाहिए देन 50 बीएचपी का जेट डालिए. नाइट्रस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव वे टू मेक पावर, मतलब जब भी आपको पावर बनाना है आपको नाइट्रस चाहिए और आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई तो है नहीं नाइट्रस का, मतलब जितना बॉटल में है उतना ही नाइट्रस है. आप हाँ छोटी बॉटल है तो बड़ी बॉटल लगा सकते हो, मगर इवेंचुअली इट विल गेट ओवर, मतलब आपको बॉटल चेंज करती रहनी पड़ेगी टू गेट दैट पावर. अभी हमने जो नाइट्रस वीडियो बनाया था उसमें मैंने दो किलो की बॉटल इन जस्ट फ्यू हिट्स मैंने खाली कर दी थी. दूसरा तरीका ऑफ फोर्स इंडक्शन एंड टू प्रोड्यूस मोर पावर फ्रॉम अ गिवन इंजन इज सुपरचार्जिंग. सुपरचार्जिंग में भी तीन टाइप के सुपरचार्जर होते हैं, एक रूट्स टाइप, एक स्क्रू टाइप और एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सुपरचार्जर्स वर्क. सुपरचार्जर एके ब्लोअर सिंपल टर्म्स में एक एयर पंप होता है जो इंजन के अंदर ज्यादा एयर पंप करता है. सुपरचार्जर कनेक्टेड होता है इंजन क्रैंक से यूजुअली थ्रू अ बेल्ट. कोई कोई एप्लीकेशंस में आपको गियर ड्रिवन सुपरचार्जर्स भी देखने को मिल जाएंगे. इंजन उसकी थोड़ी रोटेशनल एनर्जी देता है सुपरचार्जर को और रिटर्न में सुपरचार्जर इंजन को देता है ज्यादा एयर. और हमें पता है कि ज्यादा एयर मतलब आप बर्न कर सकते हो ज्यादा फ्यूल, ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा एनर्जी मींस मोर पावर. जो तीन टाइप के सुपरचार्जर्स हैं उसमें से रूट्स टाइप और स्क्रू टाइप को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर्स के नाम से भी जाना जाता है. आइए समझते हैं क्यों इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर्स बुलाया जाता है. पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि रूट्स टाइप और स्क्रू टाइप काफ़ी कम आरपीएम पे भी बूस्ट प्रोड्यूस करते हैं. सपोज आपके पास एक 2 लीटर का इंजन है और आपके पास एक 1 लीटर का सुपरचार्जर है, मतलब सुपरचार्जर का एक रेवोल्यूशन आपको देगा 1 लीटर ऑफ एयर. अभी सपोज हम पुली के ड्राइव रेशियोस ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इंजन का एक क्रैंक रेवोल्यूशन आपको देता है सुपरचार्जर के 2 रेवोल्यूशन, मतलब अगर इंजन 1000 आरपीएम पे घूम रहा है तो सुपरचार्जर 2000 आरपीएम पे घूमेगा और अगर इंजन 3000 आरपीएम पे घूम रहा है तो सुपरचार्जर 6000 आरपीएम पे घूमेगा. इसे कहते हैं 100% ओवरड्राइव. ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, रियल लाइफ में सुपरचार्जर सिर्फ 30% या 50% ओवरड्राइव पे रन करते हैं. तो हमारा 1 लीटर सुपरचार्जर प्रोवाइड करता है 2 लीटर्स ऑफ एयर विथ एवरी क्रैंक रेवोल्यूशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ 4-स्ट्रोक साइकिल. एवरी स्ट्रोक इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन, मतलब एट द एंड ऑफ 4-स्ट्रोक दैट इज द इनलेट कंप्रेशन पावर
in exhaust, the crank has rotated 720 degrees. 720 degrees or 2 revolutions. मगर हमारा इंजन ब्रीद या इनहेल करता है सिर्फ एक ही स्ट्रोक में, वो है इनलेट स्ट्रोक, क्योंकि सिर्फ वही स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जाता है और इनलेट वाल्व ओपन रहता है. तो एट द एंड ऑफ अवर फोर स्ट्रोक साइकिल, दैट इज 2 रेवोल्यूशन, द सुपरचार्जर हैज ऑलरेडी डन 4 रेवोल्यूशंस. और हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन ऑफ सुपरचार्जर विल गिव अस 1 लीटर ऑफ एयर. So, we have 4 liters of air going into our 2-liter engine. तो आपका 2-liter engine behave करेगा like a 4-liter engine because it is processing 4 liters of air. क्योंकि हम force कर रहे 4 liter of air in a 2-liter engine, the pressure inside the engine will go up. हमारे केस में the pressure will double. That is 2 atmosphere और 14.7 गेज प्रेशर और बूस्ट प्रेशर. और ये 14.7 बूस्ट प्रेशर मेंटेन रहेगा ऑल थ्रू आउट द रेव रेंज, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, रूट्स टाइप और स्क्रू टाइप कंप्रेसर्स कैन प्रोड्यूस बूस्ट एट इवन लो आरपीएम्स. This brings us to centrifugal superchargers. Centrifugal superchargers भी engine को ज़्यादा air provide करते हैं, मगर centrifugal superchargers boost produce करते हैं at a very high RPM. Centrifugal superchargers only start making boost at around 30,000 RPMs. और इस वजह से centrifugal superchargers are always attached to step-up gears, which help them gain such high RPMs. So what's the difference between a positive displacement supercharger and a centrifugal supercharger? Centrifugal supercharger is much more efficient than a positive displacement supercharger like a roots type or a screw type supercharger. But a positive displacement supercharger starts making boost at a very low RPM. Either we are talking about the RPM of the supercharger. मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर्स इंजन स्टार्ट करते ही बूस्ट बनाना शुरू कर देगा. एंड इट विल हैव द सेम बूस्ट प्रेशर एट ऑल आरपीएम्स. जबकि सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर्स नीड अ वेरी हाई इंपेलर स्पीड टू मेक बूस्ट, और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है एज द आरपीएम्स गो हायर अप टू अ सर्टेन आरपीएम. तो इस वजह से जैसे जैसे इंजन आरपीएम बढ़ता है वैसे वैसे बूस्ट प्रेशर भी बढ़ता जाता है. हियर वी हैव बूस्ट कर्व्स फॉर अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर एंड अ सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर. जैसे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर ने ऑलरेडी बूस्ट बनाना शुरू कर दिया है एट जस्ट 1000 इंजन आरपीएम. मतलब इंजन आइडल पे ही बूस्ट बनाना शुरू कर दिया है. एंड इट हैज़ रीच्ड पीक बूस्ट ऑफ 8 PSI एट अराउंड 2000 RPM. और ये वो 8 PSI मेंटेन करता है ऑल थ्रू आउट द रेव रेंज. अभी हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर. सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर बूस्ट कुछ कुछ बनाना शुरू करता है एट जस्ट अराउंड 1500 RPM. और जितना बूस्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर 1000 RPM पे बना रहा था, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर को चाहिए 4500 RPM. सो यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ पावर विद द सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर ओवर अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर शोन हियर इन येलो. तो क्यों कोई सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर लेगा जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर इज अ क्लियर विनर? जी नहीं, सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर शाइंस इन ड्रैग रेसिंग वेयर ट्रैक्शन इज अ इश्यू. क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर बूस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, वो पावर भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा एंड दिस हेल्प्स अ लॉट विथ ट्रैक्शन. थर्ड वे ऑफ फोर्स इंडक्शन इज टर्बो. टर्बो यूजेस अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर व्हील दैट इज अटैच्ड टू अ टर्बाइन. अ टर्बाइन विल यूज द एग्जॉस्ट गैस की कनेटिक एंड एक्सपांशन एनर्जी टू टर्न अ टर्बाइन व्हील. द टर्बाइन व्हील स्पिन्स द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर व्हील. द कंप्रेसर व्हील सेंड्स मोर एयर टू द इंजन इनलेट
and that's how the engine makes more power. Exhaust gases घुमाएगा turbine wheel को, turbine wheel घुमाएगा ये compressor को, compressor ज़्यादा air in engine inlet में डालेगा, and those you know the extra volume of air will mix with fuel and again go through the exhaust in the turbine wheel. तो वो exhaust gases इसको और ज़्यादा घुमाएगी, वो और ज़्यादा जो turbine speed है that will translate into the compressor wheel and again you know the compressor wheel will also give more air. तो ये एक chain reaction है. So what will happen is that you know the turbo will build a lot of boost, more boost than what the turbo itself or the engine can handle. Engine exhaust usse bhi zyada boost produce karega. So how you control that extra volume of air, extra boost, that is through the waste gate. Abhi ye internal waste gate hai, this is a diaphragm. तो इसके अंदर ये एयर जाता है, इट यू नो पुशेस दिस रॉड एंड ओपन्स अ वाल्व ओवर हियर. सो दिस डायफ्राम इज फर्स्ट ये ऑपरेट होता है, जो कंप्रेसर व्हील जो प्रेशर क्रिएट करता है उससे ही ये डायफ्राम ऑपरेट होता है. सो यू नो सम ऑफ द बूस्ट प्रेशर विल गो ओवर हियर. अभी ये फिक्स वाला है, समझो दिस इज अ फिक्स. सो यू नो इसका स्प्रिंग का टेंशन सेट किया होगा, डायफ्राम का जो रेडियस है उसके मुताबिक यू नो से यू नो इट इज एट 7 PSI. तो 7 PSI जब भी यू नो कंप्रेसर व्हील में 7 PSI होगा, यू नो व्हेन इट इज मेकिंग 7 PSI ओवर हियर, दिस डायफ्राम विल पुश दिस रॉड और ये एग्जॉस्ट में ये एक वाल्व है. So what happens, usually the exhaust goes through this hole. इधर से जाके इधर exit करता है. But you know when it's making over 7 psi से ज्यादा अगर boost बनाता है तो ये valve खुल जाता है. So the exhaust is straight away bypassing from this valve. So this turbine will slow down. टर्बाइन व्हील जब स्लो होएगा तब कंप्रेसर भी स्लो होएगा एंड दैट्स हाउ यू नो दे मेंटेन द बूस्ट, एक इक्विलिब्रियम तब मेंटेन करेगा. ये नहीं होगा देन यू नो इट विल ओवर बूस्ट एंड यू नो इट विल डैमेज द इंजन और द टर्बो, यू नो इट कुड बी अ कैटास्ट्रोफी. हियर वी हैव अ मैनुअल बूस्ट कंट्रोलर. तो ये कैसे काम करता है, ये फिट हो जाता है ये दो लाइन्स के बीच में ऐसे. सो इट फिट्स बिटवीन दीज टू लाइन्स. तो ये क्या करेगा, इट्स लाइक अ वाल्व. तो ज्यादा अगर आप यू नो इफ यू कीपिंग द वाल्व क्लोज्ड, मतलब इट्स दिस पार्शियली ओपन, तो क्या हो रहा है कि 7 PSI, सपोज दिस इज डिजाइन फॉर 7 PSI, तो ये पूरा 7 अंदर नहीं जाने देगा, ये प्रेशर थोड़ा ब्लॉक करेगा फ्रॉम हियर बिकॉज इट्स सिटिंग ओवर हियर. तो व्हाट विल हैपन दैट this diaphragm will open later. तो 7 PSI नहीं 10 PSI पे खुलेगा, क्योंकि ये valve पूरी air जाने नहीं दे रहा है, it's not letting all the air pass. So that's how we know this is a manual one. ऐसे you know there are electronic as well, जो आप electronically अंदर car से आप boost control कर सकते हो. And जैसे मैंने आपको बताया this is a internal waste gate, मतलब ये हाउसिंग के अंदर ही है. सो ऐसे यू नो देर आर एक्सटर्नल वेज. हियर वी हैव द बूस्ट कव्स फॉर अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर, अ टर्बो चार्जर एंड अ सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर. अभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर वी ऑल नो यू नो इज मेकिंग बूस्ट एट लो RPM. Centrifugal supercharger, because you know it needs to spin at a certain RPM and it is connected to the engine, so we see a linear graph. जैसे जैसे engine का RPM बढ़ेगा वैसे वैसे centrifugal supercharger का RPM बढ़ेगा and that's how it will make boost. But with a turbo it is not connected to the engine, it is run by the exhaust gas. So what
इट नीड्स जस्ट सम एग्जॉस्ट प्रेशर. तो एज सून एज द इंजन स्टार्ट्स रेविंग एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर एग्जॉस्ट गैसेस, द टर्बाइन व्हील स्टार्ट स्पिनिंग. द टर्बाइन व्हील इन द टर्बो स्टार्ट स्पिनिंग एंड दैट यू नो स्टार्ट स्पिनिंग द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर व्हिच मेक्स बूस्ट. सो बिकॉज यू नो इट इज नॉट कनेक्टेड, जस्ट नीड्स एग्जॉस्ट गैसेस, द टर्बो मेक्स बूस्ट वेरी अर्ली ऑन देन अ सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर, इवन दो दे लुक अलाइक. नाउ सपोज वी हैव टू आइडेंटिकल इंजन्स, एक के अंदर हमने टर्बोचार्जर फिट किया है, एक के अंदर हमने सुपरचार्जर फिट किया, तो अ टर्बो कार विल ऑलवेज मेक मोर पावर एट सेम लेवल ऑफ बूस्ट देन अ सुपरचार्ज्ड कार, बिकॉज द सुपरचार्जर नीड्स सम एनर्जी टू वर्क और वो एनर्जी इंजन से ही लेता है. द इंजन स्पिन्स द सुपरचार्जर, सो द सुपरचार्जर इटसेल्फ इज ईटिंग अवे सम हॉर्स पावर. And that's why a turbo car will always make more power, because turbo doesn't need any energy from the engine. It is just using the wasted exhaust and heat energy coming out from the engine. Wow, abhi hame force induction ke baare mein sab kuch pata hai. So let's put that turbo in our non-turbo car. Oh yeah, I feel it. Oh, I feel more power, baby. Oh yes. Turbo is kicking in. Oh yeah. With great power comes great responsibility. अगर आपको डबल या ट्रिपल पावर चाहिए आपके स्टॉक इंजन से, देन यू ऑल्सो हैव टू मेक योर स्टॉक इंजन स्ट्रॉन्गर टू हैंडल ऑल दैट पावर. यू एटलीस्ट नीड फोर्स कनेक्टिंग रॉड्स एंड पिस्टन्स इफ यू वांट टू मेक अराउंड 100 टू 200 bhp पर लीटर फ्रॉम योर नॉन टर्बो इंजन. देर आर फ्यू स्टॉक इंजन लाइक द K24 विच विल प्रोड्यूस अराउंड 150 bhp पर लीटर इन स्टॉक फॉर्म, दैट इज विदाउट इवन ओपनिंग द इंजन. 150 bhp पर लीटर मीन्स it's a 2.4 liter engine, so 2.4 into 150, which turns out to be 360 bhp. But I won't do that. I would at least put in rods if I'm putting a turbo on a K24. That's it for this episode. Future mein, we will do turbo 101, jisme I will talk about different turbos, different turbo maps, aur kaise aapko select karna hai turbo for a given engine and your desired power output. Thanks for watching. हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए इफ यू वुड लाइक टू सी मोर कॉन्टेंट लाइक दिस. जाने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट फोर्स इंडक्शन डजेंट चेंज द इंजन्स VE. इंजन्स VE रिमेन्स द सेम, जस्ट द प्रेशर चेंजेस. इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज में बात करेंगे.